हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सिस ACP अकाउंट के बारे में एक ऐसा सच बताने वाला हूँ, एक्सिस ACP अकाउंट से जुड़ा एक ऐसा सच बताऊँगा जो कि शायद आप लोगों को ना पता हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हों जो इसके बारे में पहले से जानते हों। तो जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि एक्सिस ACP अकाउंट कैसा अकाउंट है और अगर आपने अकाउंट ओपन करा रखा है तो आगे आपको क्या क्या करना होगा, मतलब आगे आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो ये अकाउंट आपको ओपन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा जब मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। तो उससे वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपसे कभी वीडियो मिस ना होने पर। आप दोस्तों बात कर लेते हैं इसी एक्सिस ACP अकाउंट के बारे में। तो ये जो अकाउंट है, आपको पता होगा ये डिजिटल अकाउंट है, और जो डिजिटल अकाउंट होते हैं वो ऑनलाइन ओपन किए जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि यह अकाउंट जो आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं खुद से ही, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ओपन करें या फिर अपने PC से ओपन करें, और इसमें जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, और आपका आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब ऐसे मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस पर कि OTP वगैरह आता हो, मतलब OTP आ जाए, वेरीफिकेशन हो जाए, तभी आप ये अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो डिजिटल अकाउंट होते हैं, मतलब जो अकाउंट ऑनलाइन ओपन किए जाते हैं, वो सभी के सभी EKYC बेस्ड अकाउंट होते हैं। और ये EKYC क्या होता है, इसको भी मैं आप लोगों को एकदम इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो EKYC होता है ये OTP बेस्ड KYC होता है, मतलब कि आप जो है अपनी पूरी डिटेल एंटर करते हो, फिर उसके बाद जो है आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा, और उस OTP के आप जो उस OTP के ज़रिए से वेरिफिकेशन करते हो, मतलब वो OTP डालते हो, वेरीफाई करते हो, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं KYC, मतलब EKYC, OTP बेस्ड KYC। आपको पता होगा कि जो OTP बेस्ड KYC होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 12 महीनों के लिए, मतलब अगर आप अकाउंट ओपन करते हो ऑनलाइन और वो EKYC बेस्ड अकाउंट होता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 12 महीने के लिए, 12 मंथ की वैलिडिटी होती है। अगर आप जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो है फुल KYC करा लेते हैं तो आपका अकाउंट जो है बच जाएगा, क्लोज नहीं होगा, मतलब आपको जो 12 महीने की एक तो वैलिडिटी मिलती है, ऊपर से आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डिपॉजिट को लेके या फिर क्रेडिट को लेके, तो अगर आप जो है फुल KYC करा लेते हो तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी हट जाते हैं और जो वैलिडिटी होती है वो भी हट जाती है। मतलब वैलिडिटी हटने का मतलब ये है कि अब आपका अकाउंट 12 महीने के बाद क्लोज नहीं होगा। अगर आपने फुल KYC करा लिया तो फुल्ली ऑपरेटेड अकाउंट है, मतलब एक तरह से वो रेगुलर अकाउंट हो गया, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट हो गया, जैसे कि आप जो आम अकाउंट इस्तेमाल करते हो बैंक के, बिल्कुल वैसे हो गया। आप इसको अब जो आपको कोई भी डर नहीं होगा, कोई भी रिस्क नहीं होगा कि अकाउंट कब क्लोज कर दिया जाए। तो ये फुल KYC का फ़ायदा होता है कि आपको जो फुल KYC 12 महीने के अंदर करा लेनी होती है, फुल KYC नहीं कराते तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो अगर वीडियो लंबा हो तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सिस ACP अकाउंट को लेके कि जो इसमें फुल KYC होता है। आपको पता होगा कि इसमें भी आपको जो 12 महीने का टाइम मिलता है, 12 महीने के अंदर आपको जो फुल KYC कराना होता है। तो अगर आप फुल KYC नहीं कराते हैं तो अकाउंट आपको क्लोज कर दिया जाता है 12 महीने के बाद। जैसे ही जो है आपने KYC नहीं कराया, 12 महीने कंप्लीट हुए तो आपको मैसेज आएगा या ईमेल भी आ सकता है कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया फुल KYC न होने की वजह से। तो अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आप ये सोचते हो कि एक्सिस बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। जब आप एक्सिस ACP अकाउंट ओपन करते हो तो अब जो है हम जो एक्सिस बैंक के कस्टमर हो गए हैं, हमें जो बेनिफिट्स जो एक्सिस बैंक के जो सर्विसेज वगैरह होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी जो हम ले सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि आपको ये भी पता होता है कि इसमें आपको फुल KYC कराना होता है। तो अब यहाँ पर आके जो है गाड़ी अटक जाती है, रुक जाती है। फुल KYC जब आप कराने ब्रांच विज़िट करते हो तो वहाँ पे जो टाल मटोल किया जाता है, बहाने बनाए जाते हैं, कभी कहते हैं सर्वर डाउन है, कभी कहते हैं कि सुबह के टाइम आइए इस टाइम नहीं होता है, कभी कहते हैं शाम के टाइम आइए इस टाइम नहीं होता, कभी कहते हैं कि आप मंडे को आइए आज के दिन नहीं होता है, कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर यह सर्विस ही मौजूद नहीं है, आप किसी दूसरे ब्रांच में विज़िट कर लीजिए, कभी कहते हैं आप अपने मेन ब्रांच जहाँ से आपने अपना अकाउंट ओपन किया, मतलब जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको अपनी ब्रांच भी चूज़ करनी होती है तो आप वहाँ विज़िट कर लीजिए, वहाँ जाते तो कहते हैं आप किसी दूसरी ब्रांच में चले जाइए, तो मतलब बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जब आप जो
फुल केवाईसी के लिए ब्रांच विजिट करते हो एक्सिस एसएपी अकाउंट के फुल केवाईसी के लिए, तो आपको इस तरह के बहाने सुनने को मिलते हैं या नहीं, मतलब आपका फुल केवाईसी आसानी से हुआ है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किन लोगों को परेशानियाँ आ रही फुल केवाईसी के लिए, किन लोगों को फुल केवाईसी के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं फुल केवाईसी, किन लोगों का नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या उनके साथ परेशानियाँ रहे, कैसे उनको जो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, वो सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया था कि मुझे भी पता लग सके। तो दोस्तों अब ये होता क्या है, फुल केवाईसी क्यों नहीं हो पाता है एसएपी अकाउंट का, तो मैंने जो इसी सिलसिले में एक्सिस बैंक के स्टाफ जो उनके एम्प्लॉई होती हैं उनसे बात की, मेरे पास उनका नंबर मौजूद था तो मैंने उनसे बात की है, उनसे पूछा कि आखिर आप लोग क्यों ऐसा करते हो, क्यों कस्टमर को परेशान कर दो, क्यों फुल केवाईसी नहीं करते, बहाने बनाते हो, तो आखिर क्या है ऐसा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अकाउंट है, हालांकि आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक ने इसको बनाया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ही के बैंक ने इसको बनाया है हमें जो है सुविधा पहुंचाने के लिए, और आप पे जो है बोझ ना आए, इसके लिए हम खुद से अकाउंट मतलब ओपन कर लें और आप पे जो कोई बोझ ना आए, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो, फुल केवाईसी क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ब्रांच को कोई बेनिफिट नहीं जाता है, मतलब इसमें ब्रांच को कुछ नहीं पहुंचता है, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जो है हम नहीं करते फुल केवाईसी नहीं करते। और जो हमारे पास हमारा खुद का काम होता है वो हम जो है रात रात भर करते हैं, वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है, तो हम आपका काम क्यों करें, जबकि उसमें जो ब्रांच को कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है तो हम आपका काम क्यों करें, उससे हमें जो क्या फ़ायदा मिलेगा, ब्रांच को क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जो है फुल केवाईसी कराने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम जो है फुल केवाईसी जल्दी से नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों यही सब जो है बातें हुई थी उनसे, मतलब जो स्टाफ थे एक्सिस बैंक के उनसे यही सब बातें हुई, और मुझे यही पता लगा कि अगर आप जो है 10,000 का चेक, 20,000 या 25,000, 50,000, मतलब जितने का भी आप चेक लेकर जाते हो, पैसे लेकर जाते हो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर आप जो जाते हो, तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, बल्कि आपको बुला के बैठा के आपका काम करते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसमें जो है ब्रांच को बेनिफिट पहुँचता है, ब्रांच को जो फ़ायदा पहुँचता है, इसलिए वो सभी काम जो आपके करा दिए जाते हैं, और यहाँ पे ब्रांच को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता है, इसलिए ब्रांच टाल मटोल करती है, आपका फुल केवाईसी नहीं हो पाता है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किन लोगों का फुल केवाईसी नहीं हो पा रहा है, किन लोगों को परेशानियाँ आ रही है, बहाने उनको सुनने में मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। खैर ये एक बात हो गई दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि जिन लोगों का फुल केवाईसी हो भी जाता है वो लोग शिकायत ये करते हैं कि एक्सिस बैंक वाले कंसोलिडेटेड चार्ज के नाम पे बहुत सारे जो है पैसे काट लेते हैं, मतलब बहुत सारा जो है बैलेंस काट लेते हैं उनके अकाउंट से। तो कंसोलिडेटेड चार्ज क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो है महीने के आखिर में जो है सभी जोड़ जाड़ के काटा जाता है, सर्विस का, रिक्वेस्ट का, मतलब सर्विसेज का, रिक्वेस्ट का और नॉन मेंटेनेंस का दोस्तों काटा जा रहा है, मतलब कि ये एक्सिस एसएपी अकाउंट जो है ये एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, और अगर आप इसका फुल केवाईसी करा लेते हो तो वो लोग ये कहते हैं कि आप इसमें जो है 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके चलो, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो वही कंसोलिडेटेड चार्ज यानी नॉन मेंटेनेंस का चार्ज काटते हैं, और उसमें बहुत ही भारी भरकम चार्ज काटता है दोस्तों। कुछ लोग तो बता रहे थे 7,000 कटा है, कुछ लोग का मतलब 3,000, 2,000 इस तरह से, और कुछ लोगों का 10,000 तक कटा है दोस्तों, इस तरह के चार्जेस कट रहे हैं। तो आप प्लीज़ जो है सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए पूरी तरीके से, कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप जो फुल केवाईसी करा ले जब, तो आप उसमें जो पूरा 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके चलें, एक भी पैसा कम ना होने पाए, नहीं तो फिर आपसे जो चार्ज ज़रूर लेंगे ये लोग, मतलब जैसे ही महीना एंड हुआ तो उसमें जो आपसे चार्ज सभी जोड़ जाड़ के काट लेंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि कभी भी जो है आपके अकाउंट में अगर आपने फुल केवाईसी करा रखा है तो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों ने फुल केवाईसी नहीं कराया हुआ है, तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग जिन लोगों ने भी फुल केवाईसी नहीं कराया, अपने अकाउंट में बैलेंस ना रखें, मतलब जितनी की ज़रूरत है आप उतना बैलेंस उसमें डालें और जो भी आपको काम करना हो उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं लगेगा कि कब 12 महीने पूरे हो गए और तुरंत ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, और जो उसमें पैसे रहेंगे वो चले जाएंगे। फिर आप ब्रांच विज़िट करो, ब्रांच जाओ, वहाँ पर चक्कर काटो, उनसे बात करो, बहुत सारे आपको परेशानियाँ आएँगी। तो आप जो प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि अगर आपने फुल केवाईसी नहीं कराया तो अपने अकाउंट में सिर्फ इतना ही बैलेंस रखें जितने की आपको ज़रूरत हो, आप उसको इस्तेमाल करके ख़त्म कर ले बेहतर है, लेकिन आप उसमें बैलेंस रख के छोड़ ना दें कि उसमें जो है बैलेंस पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। आप 12 महीने कम्प्लीट होते पता भी नहीं लगेगा, 12 महीने कम्प्लीट होंगे और जो है फुल केवाईसी ना होने की वजह से अकाउंट भी आपका क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आप चक्कर लगाते रहो रीओपन के लिए, चक्कर काटते रहो, कुछ होगा नहीं, मेरे ख्याल से बहुत आपको मुश्किलें आएंगी, तभी जाकर कुछ कहीं पे हल मिलेगा आपको।
दोस्तों यही आपको बताना था कि ये है एक्सिस एएसएपी अकाउंट की असलियत, ये सच्चाई कि सबसे पहली बात तो आपको फुल केवाईसी नहीं होगी, फुल केवाईसी के लिए चक्कर आपको काटना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि फुल केवाईसी हो जाने पे कहेंगे कि 10,000 रुपये मेंटेन करो, मेंटेन नहीं करोगे आप, अगर आपसे नहीं भी कहेंगे मेंटेन नहीं करोगे आप तो फिर कंसोलिडेटेड चार्ज पड़ेगा उस पर, और अगर आप फुल केवाईसी नहीं कराते तो बिना बताए आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। हालांकि हो सकता है एसएमएस वगैरह आए पहले से कि आप फुल केवाईसी करा लो, हो सकता है कॉल भी आ जाए, लेकिन यह है कि जब आप विजिट करोगे तो बहुत सारे आपको बहाने सुनने मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि केवाईसी फुल केवाईसी कर भी दें, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपका ब्रांच किसी ऐसी जगह पर लोकेट है, मतलब किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब काम उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो बहाने ज़रूर आपको सुनने में मिलेंगे, बहाने ज़रूर वो लोग बनाएंगे। तो यही है दोस्तों कि अगर आप जो है अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत संभल के रहिए। पहली बात, अगर आप फुल केवाईसी करा लेते हो तो आप उसमें पूरे बैलेंस मेंटेन करके चलो 10,000, और अगर आप फुल केवाईसी नहीं कराते हो तो प्लीज़ आप जो उसमें बैलेंस मत रखो, बेहतर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि हम ये अकाउंट ओपन ना करें तो फिर कोई दूसरा बैंक, मतलब हमें अकाउंट बता दीजिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज के टाइम में सबसे अच्छा कोटक 811 अकाउंट है, जो कि आपको फुल केवाईसी कराने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, डोर स्टेप केवाईसी होती है, घर पे आएंगे मतलब आपके एड्रेस पे आएंगे और वहाँ पे जितना बायोमेट्रिक वगैरह से वेरिफिकेशन होता है, जैसे भी होता है, वो सब कुछ करके आपका अकाउंट आपके हवाले कर देंगे, उस पे जो वैलिडिटी वगैरह का कोई चक्कर नहीं होगा, आप उसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।